Very good evening, sir, and thank you so much for sparing time for Judiciary Gold at this hour from your busy schedule. So, sir, as far as I have known about you, आपने एमपी जुडिशरी क्लियर किया था इन द ईयर 2019. 2019 में जो रिजल्ट आया था उसी में आपने जी क्लियर किया था. राइट राइट एंड करंटली यूर पोस्टिंग पोस्टेड इन अलीराजपुर. यस ओके, सो दैट वाज योर सेकेंड अटेम्प्ट जिसमें आपने क्लियर किया था. एंड यूर अ यस ग्रेजुएट ऑफ एनएलयू ओडिशा. राइट सर, थोड़ा सा और आप अपने बारे में, अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट थोड़ा सा आप शेयर करेंगे. एक्चुअली जो इंटर्नशिप्स वगैरह मैंने बहुत सीरियसली ली थी, बिकॉज आई नीडेड टू एक्सप्लोर कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो शुरू से ही जैसे एनएलयूज का तो जैसे ट्रेंड भी होता है कि शुरू से ट्रू इंटर्नशिप हम लोग लेते हैं, तो कॉरपोरेट का वहाँ पे मेजर सब्सटेंशियल फील्ड का जो वर्क होता है वो मेजरली कॉरपोरेट की तरफ होता है। बट स्टिल लाइक कॉरपोरेट फील्ड में मैंने ट्राई किया, बट आई थॉट एंड आई थिंक कि मैं वहाँ सही से सेटल नहीं हो सकता था, सो आई नीडेड समथिंग एल्स। सो ऑलरेडी मेरे माइंड में था ये चीज कि मुझे जुडिशरी करना है, बिकॉज समहाउ फादर ने भी इस चीज का बताया था और बैकग्राउंड में भी कुछ है, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स हैं जो ऑलरेडी जजेस हैं। सो एक आइडिया मेरे को इस चीज का था कि हाँ, मुझे ये फील्ड भी मेरे लिए ओपन है, तो इसका भी मेरे को एक आइडिया लेते हुए चलना है। सो बेसिकली फोर्थ ईयर तक तो मैंने सिर्फ एक रफ आइडिया लिया था कि क्या होता है जुडिशरी। फिफ्थ ईयर से थोड़ा सा मैंने उसका छानबीन की कि हाँ, ये चीज होता क्या, एक्चुअली क्या है, जज की लाइफ क्या होती है, बिकॉज आई हैड नो आइडिया। क्योंकि हम लोग जाते थे, हाँ, लाइक कोर्ट्स में हम लोग इंटर्नशिप्स करते थे, बट बार एंड बेंच का जो पूरा वर्क लाइफ होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। हम लोग बेंच बेंच का क्या लाइफ है उसको नहीं जान सकते हैं जब तक आप एक्चुअली उसमें ना उतर जाओ। सो आई हैड अ टॉक विथ माई रिलेटिव्स हुआर जजेस, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई। और थोड़ा सा ये था कि घर से भी कुछ था थोड़ा सा कि आप करो इस चीज को, परस्यू करो इस चीज से, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है, एवरीबॉडी वॉन्ट्स अ लॉ गवर्नमेंट किया है जॉब। तो जुडिशरी तो कर ही लो एक बार कोशिश तो हाँ, करके देखो, ये कोशिश प्रेशर तो करके रहता देखें। है। हाँ, और कॉर्पोरेट मेरे को इतना सूट नहीं हो रहा था, जिस तरह से मतलब सबका नेचर जिस तरह से होता है, हाँ, सो मेरे अरे को ये ज्यादा वायबल लगा मेरे लिए। सो फिफ्थ ईयर से थोड़ा सा मैंने उसको देखा, बट मेरी जो स्टडीज हैं इसको लेके वो ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट हुई थी, बट आई हैड अ आइडिया कि मुझे क्या करना है। अच्छा। सो 2018 में सर 2 बारी वैकेंसी आई थी, है ना, वही वही वाला पार्ट था। तो आप जब ग्रेजुएट हुए थे उसके बाद आई थिंक आपके पास बहुत कम टाइम रहा होगा फॉर अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट वैकेंसी। हाँ, फॉर द फर्स्ट वैकेंसी मतलब मेरी प्रिपरेशन जो मेंस की हुई थी वो नहीं हो पाई थी। आई हैड टू प्रिपेयर ऑन द स्पॉट, मतलब हाँ, उसमें राइट। जो 45 डेज मिलते हैं अराउंड अराउंड उसी में करना था, तो उतना अच्छे से नहीं हो पाया था। अच्छा, ओके। सो सेकेंड अटेम्प्ट में ये था कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि मुझे अब क्या करना है। आई हैड अ प्री प्लान्ड स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग, तो मेरे को काफी हेल्प मिला उस चीज़ का। स्ट्रैटेजीज बना करके प्रॉपरली आपने फिर फाइनली टारगेट किया। एंड हाँ, व्हाट वुड यू से ऑर्डिनरली, क्या जुडिशरी क्रैक करना बहुत मुश्किल है या इज इट लाइक स्ट्रैटेजी से करो तो हो जाएगा एक शॉट में, ये भी पॉसिबल है, या इट्स हाँ अनप्रेडिक्टेबल, लाइक जैसा कि इस बार हम लोगों ने रिजल्ट में देखा। ऑब्वियसली देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एवरीथिंग, बट ये गवर्नमेंट जॉब है, सिंसेरिटी तो चाहिए आपको करने के लिए। ऑफ कोर्स, आप ऑफ ऐसा कोर्स। नहीं कह सकते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ही लेंगे, ठीक है, बट ये है कि आप बहुत सिंसियरली इसमें काम करें, और आप एटलीस्ट ये है 8 मंथ्स अराउंड इसमें बहुत सिंसियरली आप तो उसमें लग के काम करें, तो आई थिंक इट्स ऐसा नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा लक फैक्टर होता है सिंसियरिटी के साथ, तो वो चीज ऑलवेज मतलब वहां रहेगा। बट स्टिल थोड़ा आई वुड बहुत से रोल था कि स्टिल। हाँ, कंपेयर टू अदर जुडिशियल मतलब अदर गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे इससे हायर रैंक के जो, या ऑलमोस्ट इक्वलेंट हम बोल रहे हैं, जैसे IAS और UPSC वगैरह से जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कंपैरेटिवली आई वुड से कि एक सर्टेनिटी लेवल ज्यादा है कि आप उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, ओके। तो सर, दिस इज समथिंग, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मतलब कोर आपके जुडिशियरी प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है, बट सिंस हमारे मतलब जुडिशियरी गोल्ड में स्टूडेंट्स आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 5 to 6 years नाउ, दे ऑल्सो वुड वॉन्ट टू नो कि मतलब आपका जो कॉलेज का एक्सपीरियंस था, वर यू अ टॉपर और एन एवरेज स्टूडेंट?
आई वॉज गुड, लाइक आई वॉज वेरी सिंसियर फ्रॉम द स्कूल टाइम इट सेल्फ. एंड कॉलेज में ये था कि फर्स्ट ईयर में आई वॉन्ट टू नो थिंग्स, तो मैं थोड़ा सिंसियर ज्यादा था. आफ्टर दैट लाइक स्टडीज प्रायोरिटी पे थी, बट मेजर फोकस ऐसा नहीं है कि स्टडीज पे था. आई यूज टू बी इन टॉप 10 ऑल वे, तो आई वुड से कि हाँ सब कुछ वेल मैनेज था मेरे हिसाब से शुरुआत से ही, शुरुआत दैट्स से. रियली गुड. एंड सर, मतलब एक और चीज जो अभी रिसेंट से रिलेटेड है, एज यू माइट नो कि अभी रिसेंटली एमपीसीजे मेंस का रिजल्ट आया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट मेक थ्रू. सो दे आर फेसिंग, मतलब एक 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 बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, दिमाग फट जाता है उस टाइम पे. फॉर देर इज हाँ अ बिल्कुल. पीरियड जिसमें वो रहता है. तो इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल्दो आपके पास समय कम था, आपको भी पता था कि भाई थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट वो अगर सिलेक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो फिर भी बंधी रहती है. हाउ डिड यू मैनेज दैट प्रेशर? हाउ डिड यू मैन टू यू हाउ डिड यू कोप अप विद दैट स्ट्रेस जो उस टाइम पे हुआ था इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जैसे एज अ एस्पायरेंट आपको हमेशा पता होता है कि आपने किस लेवल से मेहनत की है. ठीक है, आपने अगर बहुत सिंसियरली मेहनत नहीं की होगी तो आपको उस टाइम एट द स्पॉट, मतलब जब रिजल्ट आता है तब जरूर दुख होता है, बट कहीं ना कहीं थोड़े टाइम में आपको लगने लगता है कि हाँ मेरे को और जरूरत थी. मतलब आपका एक सेल्फ जो मैनेजमेंट रहता है उसको देख के आप समझ जाते हैं कि हाँ और उसमें वर्क करने की जरूरत है. सो बेसिकली क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को टाइम नहीं मिला था उतना फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे. सो हाँ वो जरूर है कि हाँ टाइम के साथ ही आप कोप अप कर सकते हैं, मतलब टाइम के साथ ही वो चीज थोड़ी सी मन से निकलती है. दुख तो होता है, हमेशा होता है, मेहनत बट करी तो स्टिल होगा, लाजमी है. हाँ बट ये था मन में हमेशा से, ये था कि ये चीज हमको निकालनी है तो हमको सिंसियर और ज्यादा सिंसियर होना पड़ेगा. बिकॉज ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको चीजें नई नई पता लगती हैं. ठीक है, तो जब मेंस का एग्जाम हो गया था उस टाइम तक तो बहुत ऐसा था कि उस टाइम एक्चुअली हुआ क्या था, मेंस के रिजल्ट के टाइम पे मेरा छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू भी लाइंड अप था. अच्छा, ओके. सो जो छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू जो था उस पर मैंने थोड़ा फोकस रखा, जिससे मेरे को उस चीज से मेंस के रिजल्ट से इतना हाँ प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने वो ट्राई किया. फिर ये है कि एक आध महीने के आसपास वो डील हो जाता है, थोड़ा टाइम तो लगता है. कोप अप करने के लिए यह है कि आपको खुद इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है कहीं ना कहीं से, आपको फैमिली का सपोर्ट जो होता है वो बहुत जरूरी है उस टाइम पे. ठीक है, आपको इंस्पायर करने वाले आपके फ्रेंड्स मेजर जो होते हैं, क्योंकि आप हर चीज घर वालों से नहीं बोल सकते हैं. तो बेसिकली ये होता है कि फ्रेंड्स का एक जो है मोटिवेशन और जो स्ट्रेस बस्टर्स जो होते हैं, तो आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं उतना ज्यादा वो चीज आपको हेल्प करती है कोप अप करने के लिए. सो मेंस के रिजल्ट के टाइम पे श्योरली आपको बहुत बुरा लगेगा, और जैसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है, आपने बेस्ट दिया, उसके बाद नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो बस उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आपको जितना भी आपने किया है उसमें क्या कमी रही है वो ही ढूंढना आपका मेन गोल होता है उस टाइम पे. तो आपने अगर मेंस दिया है तो उसके आंसर शीट्स आप निकालिए, आंसर शीट्स में आप कहाँ पे आपको लग रहा है कमी है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको कम मार्क्स मिले हैं, मेजरली हमको वहीं डील करना होता है. तो ये चीज मेरे को पता थी कि मैंने हाँ भले ही पूरा अच्छे से दिया है बट दिस वॉज नॉट माई बेस्ट. सो कहीं ना कहीं वो चीज मेरे मन में थी, इसलिए मैं और आगे अच्छे से बढ़ पाया. और ज्यादा बेहतर तरीके से कोप अप कर पाए. जी राइट. सर, अभी आपने बताया कि आपका छत्तीसगढ़ का भी इंटरव्यू लाइंड अप था, तो आपने मतलब साइमल्टेनियसली एमपी के अलावा और भी स्टेट्स की तैयारी करी थी? हाँ, बेसिकली क्योंकि उस टाइम जब गाइडेंस लेते थे तो हमेशा यही रहता था कि आपको जितना स्कोप आपका वाइड है क्वेश्चंस को लेके, जितने आप स्टेट्स कवर करेंगे उसमें उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. मेजरली आपको यही है कि आपको क्वेश्चंस ग्रैब करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर तो हम लोग फ्रेम करेंगे, उसकी तैयारी हम करेंगे, बट आपको मेजरली क्वेश्चंस पता करने हैं कि कहाँ से क्या आ सकता है. हम एमपी के सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या आएगा. तो मैंने क्वेश्चंस वगैरह जो थे सारे स्टेट्स के जुडिशरी के देखे हैं, बट मेरा फोकस एमपी पे ही रहा है हमेशा से, छत्तीसगढ़ बिकॉज मेजरली उसमें सब्जेक्ट पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन वगैरह मतलब सब्जेक्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है. सो मैंने छत्तीसगढ़ दिया था, बट उसके अलावा मैंने किसी और स्टेट का नहीं सोचा था उस टाइम पर. आपके अकॉर्डिंग मतलब एक स्टेट को ही टारगेट करना ठीक है या मल्टीपल को करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सिंगल जो स्टेट है उसी को आप टारगेट करें तो ज्यादा फोकस रहता है, और कहीं ना कहीं आपको विश्वास भी होना चाहिए कि आप उस चीज को क्रैक कर पाएंगे.
बिकॉज आप, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, कई स्पिरेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनको अब, क्योंकि उनके क्या, आप अगर आप 4 जगह ट्राई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनकी डेट्स ऐसी आती हैं क्लैश कि कर आप सकती हैं। क्लैश कर सकती हैं, तो उससे आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम किस चीज की तैयारी ज्यादा अच्छे से करें। मान लीजिए आप जो राजस्थान का एग्जाम देते हैं, उसका इंटरव्यू है आपका, और कहीं आपका ये प्रिलिम्स है एमपी का, तो आप इंटरव्यू पे ज्यादा ध्यान देंगे उस टाइम पे, ट्रू, बिकॉज हाँ, क्योंकि वो वहां पर फाइनल वो जस्ट स्टेज है। पहुंच गए। हाँ, वो फाइनल स्टेज है आपका, मेजर फोकस आपको भी पता है कि आपको रहना एमपी में है, और वो ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको उस टाइम सिचुएशन डिफिकल्ट कर देती है। इसलिए मेरे हिसाब से, मतलब मेरे माइंड में हमेशा ये रखा है, मेरा एमपी का प्रायोरिटी रहा है। छत्तीसगढ़ मैंने इसलिए दिया था क्योंकि वो सब्जेक्ट सिमिलर थे उसमें। एंड हाउ डू यू सजेस्ट अ पर्सन डिसाइड्स कि उसको कौन सा स्टेट चूज करना चाहिए? जैसे बहुत सारे, पूरे भारत भर से बहुत सारे बच्चे दिल्ली तो देते ही हैं कि चलो दिल्ली दे देते हैं, यूपी में अगर बहुत सारी वैकेंसीज आ गई तो सब यूपी दे देते हैं, एमपी दे लेते हैं क्योंकि भाई एक सिमिलर टाइप का आपको पैटर्न मिल जाता है, ज्यादा लोकल लॉज नहीं आ रहे, दो आ रहे हैं। तो स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज रहता है कि मैं ये करूं कि वो करूं, तो एक कोई आप क्या ऐसा टिप दे पाएंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति डिसाइड करे कि उसको कौन से स्टेट में अपियर होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरली स्टूडेंट्स वही स्टेट देखते हैं जहाँ उनका होम टाउन होता है, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप दूसरे स्टेट से अपने पेरेंट्स से और घर वालों से कनेक्टेड रहें, इतने टाइम आपको मतलब बाहर ही रहना पड़ेगा, पर्टिकुलरली स्टेट एग्जाम का है तो स्टेट आपका चेंज हो नहीं सकता उस टाइम पे, ठीक हाँ, है। ट्रू। और एक बार आप स्टेट एग्जाम दे के आप सिलेक्ट हो गए हैं, उसमें आप जॉब कर रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप दूसरे स्टेट के लिए प्रिपेयर करके दूसरे स्टेट में सिलेक्शन ले लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल से यही रहता है लोगों के लिए, सबके लिए, कि वो होम टाउन जो उनका है उसी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। बट स्टिल एक दूसरी चीज जो होती है वो खुद की कैपेबिलिटी सबको पता रहती है कि हम कितने कैपेबल हैं, हम कितनी तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे दिल्ली जुडिशरी है, दिल्ली जुडिशरी के लिए आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे वो सफिशियंट नहीं होता है, जनरली जो समझ में आता है उसको पढ़ के। तो दिल्ली की जो प्रिपरेशन है वो अगर आप दहलीज में रह के करें तो ज्यादा बेटर बताया जाता है, कि मतलब वहां से ज्यादा आपको अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि उसका पैटर्न उस तरह का है, काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, काफी कुछ जजमेंट्स बेस्ड रहता है वो। हाँ, ट्रू। तो ये एक फैक्टर हो जाता है कि उसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कितनी कितनी सिंसियरली उस सिलेबस को और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये रहता है कि आप जिस, मतलब आपकी सिचुएशन, बेसिकली आप जिस टाइम एग्जाम देना चाह रहे हैं उस टाइम कौन सी वैकेंसी आई है, और आप कितना कितना फ्री हैं उसको देने के लिए। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे राजस्थान जुडिशरी का भी आपको पता है बीच में 1 साल तक गैप हुआ था, तो कोई भी उस टाइम पे मेजरली स्टूडेंट्स ने दूसरे स्टेट्स के ही एग्जाम दिए, और उसमें अगर सिलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली ये ऐसी पोस्ट है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो एक वो लक वाली चीज रहती है कि आपको जिंदगी किधर ले जाती है। तो मेजरली तो यही है कि होम टाउन बेस्ड जुडिशरी का आप स्टेट सिलेक्शन करें, क्योंकि आपको फाइनली सेटिस्फेक्शन वही मिलता है कि आप अपने रिलेटिव से और लोगों से करीब रहें। कनेक्टेड रहते हैं। राइट। तो सर, आपकी जैसे प्रिपरेशन का एक हम करीब करीब 8 से 10 महीने का एक स्पैन मान सकते हैं जिसमें आपने प्रिपरेशन करी थी, तो इस यस 8 से 10 महीने में आपने आपने मतलब कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी टाइम मैनेज करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, कि एक सब्जेक्ट पढ़ने में काफी ज्यादा समय लगा दिया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उतना समय मिल ही नहीं पा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि मैं दिन में पढ़ूं कि क्लास करूं कि मैं सवाल लगाऊं। सो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस? देखिए, स्टार्टिंग में तो डिफिकल्टी आती ही है, मतलब जब कोई एस्पिरेंट स्टार्ट करता है तो उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग सा रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मुझे 1 महीना तो शायद फोन को साइड रखने में लगा था कि मैं एटलीस्ट इससे दूर हो जाऊं, बिकॉज कॉलेज में वही रहता है, आपका पूरा जो लाइफ है वो रिवॉल्व होता रहता है लैपटॉप फोन के अराउंड। ट्रू ट्रू, सो बिल्कुल। एक एक सबसे पहला डिस्ट्रेक्शन आपको वो दूर रखना होता है। फिर उसके बाद यह है कि आपको स्टार्ट करना है, बेसिकली आप कहीं से भी करो लेकिन आपको स्टार्ट कर रहा है, भले आपको लग रहा है उससे इफेक्ट पड़ रहा है या आपको हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, बट स्टार्ट करना जरूरी है। एक बार वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो फ्लो बनता है धीरे धीरे।
सो फर्स्ट ऑफ कहाँ ऑल वो मैं वहीं क्या से कर शुरू करूँ। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता था, एक पर्टिकुलर कोई भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उठा लेता था. जैसे मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट सीआरपीसी आईपीसी ज्यादा है क्रिमिनल लॉ में, तो आईपीसी जैसे मैंने उठा लिया, मैंने उसको प्रीलिम्स के लिए जैसे पढ़ना शुरू किया, तो कंसेप्चुअली उसको पूरा क्लियर किया, उसको चैप्टर वाइज पढ़ा मैंने पहले. और क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी के हिसाब से ही हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो चैप्टर वाइज उसको पढ़ के, मान लीजिए 5 चैप्टर मैंने पढ़ लिया, उसको कंसेप्चुअली क्लियर कर लिया, उसके बाद मैं उस यूनिवर्सल की जो गाइड थी उससे मैं अपने क्वेश्चंस लगाता था प्रीलिम्स के हिसाब से. तो एक माइंड में ऐसा हो जाता कि हाँ कुछ इतना जो पार्ट है वो लॉक हो गया है, हमको लगता है कि हाँ ठीक है इतना पार्ट ठीक ठाक कवर हो गया है. तो एक स्टार्ट करने का तरीका ये होता है. बाकी स्टार्ट करने के साथ साथ उसके थोड़ा पहले ये करना चाहिए सबको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाएं. मतलब मैंने एक नोटबुक बनाई थी, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे आईपीसी है उसका हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चन किस किस ईयर में आए, 2010 से लेके उस टाइम 19 तक, 18-19 तक, तो वो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लिए थे कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से. सो बेसिकली मेरे को एक आइडिया लग रहा था कि हाँ सब्सटेंशियली कहाँ से पूछा जा रहा है, जगह तो का इस कितना हिसाब से वेटेज है। मैंने, हाँ एक स्ट्रेटेजी वहीं से स्टार्ट होती है. आप कैसे फॉर्म करोगे, क्योंकि आईपीसी जो मेजर सब्जेक्ट्स हो गए बेसिकली एविडेंस, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आप पूरा स्टार्ट कर दो शुरू से एंड तक पढ़ना, वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं बोलेंगे उसको. आपको पता होना चाहिए कि आपको इम्पोर्टेंट कौन से चैप्टर्स, कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं वो स्ट्रेटेजी बनाना. तो मैंने पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पूरा स्ट्रक्चराइज वे में लिख लिया था अच्छे से और उन पर ज्यादा फोकस रखा था. तो जैसे आईपीसी स्टार्ट किया था तो चैप्टर वाइज वही चैप्टर इंपॉर्टेंटली शुरू में पढ़े थे जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से दिख रहे थे मेरे को. और बाद में यही समझ आया कि जुडिशियरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे पुलिस से रिलेटेड हुआ, प्रशासन से रिलेटेड हुआ, वो इतना नहीं पूछते हैं वो कभी. सो एक स्टार्ट करने का तरीका वो होता है, और स्टार्ट करने के बाद ये है कि आपको धीरे धीरे जब फ्लो बन जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है, साथ साथ आप गाइडेंस लेते रहें. एक गाइडेंस शुरुआत में जरूरी होता है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो वो गाइडेंस के लिए एक मेंटर जरूरी है. एक और सर, आपने जैसा बताया आपका आईपीसी सीआरपीसी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स में से रहे हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आपको लगते थे। सीआरपीसी के अराउंड एक मिथ है कि सीआरपीसी को, मतलब वुड यू कॉल इट अ मिथ और वुड यू कॉल इट ए रियलिटी कि सीआरपीसी को आप तभी पढ़ सकते हो जब आप उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानो। फॉर जुडिशियरी प्रिपरेशन क्या शुरुआत से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानना जरूरी है, या फिर वो प्रैक्टिकलिटी आपको ट्रेनिंग पीरियड में ज्यादा बेहतर समझ में आएगी? मैं तो उसको मिथ ही बोलूंगा, हाँ ऑल्दो मेरे को उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था. मतलब हम लोग कोर्ट में जाके काफी चीजें देख लेते हैं, बट उससे आपको ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में सीआरपीसी पढ़ने में हेल्प मिलेगी. आपको इस एग्जाम के लिए जो आपको पढ़ाई करनी है वो प्रैक्टिकलिटी से थोड़ी डिफरेंट है. तो मेरे को लगता है प्रैक्टिकलिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम में किसी भी प्रोसीजरल लॉ को पढ़ने के लिए भी, क्योंकि आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप उसको कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं, तो आप भले ही ऐसे इंसान से गाइडेंस लोगे जो प्रैक्टिकली उसको फेस कर चुका है, बट आप उसको प्रैक्टिकली फेस करके भी आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई हेल्प मिलने वाली है. हो सकता है पर्टिकुलरली कुछ सेक्शंस में आपको हेल्प मिल जाएगी, हाँ ये आपको समझ आते हैं, बट आप कितने सेक्शंस में हेल्प लोगे उस चीज से. हाँ, जब आप कोर्ट में उसको इंटर्नशिप्स के टाइम पे या फिर बाद में प्रैक्टिस अगर की है किसी ने, तो वो कुछ एस्पेक्ट से डील करता है, हर एस्पेक्ट से डील नहीं कर सकता. और इस एग्जाम के लिए आपको हर एस्पेक्ट से डील करना है जो जो भी सिलेबस में कवर हो रहा है. सो मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिकलिटी की उतनी जरूरत नहीं है. हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहूंगा कि बहुत जरूरत पड़ती है उसकी, बट वो आप गाइडेंस के थ्रू भी कवर कर सकते हैं. एक और चीज ऐसी है सर कि जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो, जब आप एस्पिरेंट वाले फेज में होते हो, तो यू मेक सर्टेन सैक्रिफाइसेस इन योर लाइफ एज वेल। कुछ पार्टीज होती हैं जो आप फोरगो करते हो, कुछ घर के फंक्शंस होते हैं जिसमें आप नहीं जाते हो, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स अ पर्सन फेसेस बैकलैश फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम द फ्रेंड्स कि हाँ इसको ज्यादा पढ़ना है, एक दिन में पढ़ के जज बन जाएगा। सो डिड दैट अफेक्ट यू, एंड इफ इट डिड हाउ डिड यू मैनेज दैट? या डिड दैट इवन हैपन विद यू? हाँ दैट्स वेरी ट्रू. लाइक आई थिंक एवरी एस्पिरेंट फेसेस दैट थिंग, हाँ, बिकॉज फैमिली से तो आई डोंट थिंक इतना उतना कुछ नहीं कोई आएगा, बोल बोलेगा, वो हमेशा रिलेटिव से सपोर्ट में ज्यादा आ रहते हैं सकता जिनका. है। हाँ हाँ रिलेटिव से आएगा और रैंडम पीपल, यू नेवर नो कौन क्या बोल के, मतलब घर पे जैसे कोई आता है तो ही वॉज लाइक कि एनएलयू से पढ़ा हुआ है इसको क्या प्रॉब्लम आएगी.
बट मेरे को उस चीज पे गुस्सा आता था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एनएलयू से पढ़े हैं तो आप क्रैक करने के लिए बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। इट्स बेसिकली कि हाँ अंडरस्टैंडिंग ठीक है, हमको समझ आ रहा है, बट आई डोंट थिंक उसके अलावा कोई भी हेल्प होती है अगर आप अच्छे जगह से पढ़े। सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी सुनने में आती थी जो, और एक अपना खुद का भी मेंटल स्टेट रहता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप बार बार उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आप शुरुआत में जैसे आईपीसी सीआरपीसी में जो सेक्शंस हैं उनमें कंफ्यूजन होता है, तो समटाइम्स यू फील कि आई एम गोइंग थ्रू स्टडीज, आई एम रीडिंग एवरी सिंगल बिट ऑफ इट, बट इट्स नॉट एंटरिंग माई माइंड, ठीक है। तो उस टाइम ये लगता है कि यार पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लाइक हाँ एंड तक मेंस के एग्जाम के मतलब तक आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है माइंड में, सब पढ़ा था वो बेकार है, बट ऐसा नहीं होता है। आप जितना शुरुआत से पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है, बिकॉज मेरी तो एक ही से है हमेशा से कि आप उसको इतनी बार रिवाइज कर लो क्योंकि नेचुरली आपके माइंड में चले जाए। आप उसको रटने की कोशिश करोगे तो शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट उसको मेजरली रिविजन चाहिए। एग्जाम ऐसा है कि आपको रिविजन देना ही पड़ेगा, बिकॉज सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं वो इतनी इजिली आपके माइंड में एंटर नहीं करते, है करेंगे ना। अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जितना उसको इनवाइब करोगे अपने माइंड में उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है अगर पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है उस चीज में। तो उसको कोप अप करने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई कभी, बिकॉज इन चीजों में विश्वास ही नहीं रखता कि कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज मेरे को खुद पर विश्वास है कि हाँ अगर मैं कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं इस चीज में हमेशा से जिद्दी भी रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे साथ रहा है कि मेरे को सिंसियरली मतलब मेरे को अपनी मेहनत पर विश्वास था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई क्या बोलता है। एक हल्का सा वो लगता था बोलते थे जब, बट इग्नोर करना इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई गेस। मतलब खुद पे अगर बिलीव करके उस लेवल को पार कर लो तो उसके बाद तो फिर वो लोग जो बोल रहे हैं वो इवेंचुअली फिर आपके फेवर में ही बोलेंगे, वो फिर आपके आगे पीछे ही आएंगे। हाँ, द उसको पर्सन मतलब हु इफेक्ट इफेक्ट करने देंगे हम अपने आप को, तो हमें बहुत एक तो नेगेटिव मेंटेलिटी हो जाएगी, ऊपर से ये कि आप अपना इंस्पिरेशन खो बैठते हो, एक माइंड में जो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे वो कम होता जाता है। सो उसको इग्नोर करना इज द बेस्ट। सर, आपने जब प्रिपरेशन फोकस करी थी तो मध्य प्रदेश का हम लोग हमेशा से ये सुनते थे कि इट इज वेरी बैराट सेंट्रिक, जबकि 2018 का जो सेकेंड वाला हुआ था जिसका रिजल्ट 2019 में आया था, इट स्टार्टेड हैविंग सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। इनफैक्ट यस 2019 का जो फेज टू हम लोगों ने देखा उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और ज्यादा आए एज कंपेयर टू द, ये ट्रेंड रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपका जो प्रिपरेशन था इन इन 2018 इटसेल्फ व्हिच कंटिन्यूड टिल 2019, तो उस पूरे फेज में आपने सिर्फ बैराट पर ही फोकस किया या फिर यू आल्सो रेफर टू कॉमेंट्रीज या कोई और बुक्स फॉर प्रिपरिंग? सी आई टेल यू माय वे ऑफ लर्निंग फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मेरा प्रिलिम्स में जब मैंने तैयारी की थी, सो आई कंसेप्चुअली क्लियर एवरीथिंग, जो भी सेक्शन है मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली ये सेक्शन है तो इस ये क्यों सेक्शन है, उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है उसमें वो चीज माइंड में रहे, इसलिए कंसेप्चुअली क्लियर करना जरूरी था। सो अगर बैरेक से पढ़ के मुझे समझ आ रहा है प्रॉपर एग्जॉस्टिवली, मुझे पता है कि हाँ इसका ये सेंस बन रहा है और इसलिए इस सेक्शन को यहाँ रखा गया है, कब कब यूज होता है, तो आई डोंट रिफर टू एनी बुक्स। लेकिन जहां मुझे लगता है कि एडिशनली मुझे इस चीज को कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए किसी की कमेंट्री की जरूरत है, मैं वहीं पे वो चीज रिफर करता था। प्रीलिम्स के लिए तो मेजरली मतलब बुक्स का यूज सिर्फ कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए मैंने यूज किया, बाकी मेंस के टाइम पे बुक्स का थोड़ा सा यूज किया था मैंने। वो सिर्फ इसलिए किया था कि जैसे मेंस के मैंने जो पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट है उसके मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे क्वेश्चंस राइट डाउन कर लिए कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में कवर हो रहे हैं वो भी नोट डाउन हो गए थे साथ में, और जो मेरे को लगता था कि एडिशनली आ सकता है वो भी मैंने एक जगह लिख लिए थे। फिर हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर फ्रेम किया था अकॉर्डिंग टू व्हाट सेटिस्फाइड मी, मतलब उसको बुक में से पढ़ के लिखूं चाहे मैं बैरेट से लिखूं, बट एक प्रॉपर आंसर जो मेरे को आंसर शीट में लिखना है वो मैंने राइट डाउन कर लिए थे पूरे आंसर्स जो हैं। और ये जो मैंने किया था वो प्रीलिम्स की जब डेट आई थी उसके पहले मैंने कर लिया था, बिकॉज आई हैड टाइम दैट टाइम, सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, तो वो मेंस के पहले हो गया था, तो मेरे को बहुत हेल्प मिली थी उस चीज से। तो वो एक बार मैंने राइट डाउन कर लिए, तो उसमें ये रहता है कि जैसे हम लोग खुद करते हैं
तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं हमें, तो वो चीज ठीक नहीं है. सो आई यूज टू टेक फीडबैक, तो मैंने फीडबैक लिया उससे, जो एक मेंटर थे, मेरे को लगता है कि हाँ ये सही बता रहे हैं. तो एक प्रॉपर मेंटर होना भी जरूरी है, जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ ये लॉजिकली ठीक बता रहा है, तो आपको आपके मेंटल लेवल से या आपके स्ट्रेटेजी से मैच करता हो. सो एक फीडबैक लिया, फीडबैक में अगर उनको लगता है सामने वाले को कि इसमें ये चीज ऐड कर सकते हैं, तो वो एडिशनली मैंने ऐड की, उसको और इम्प्रोवाइज करते गया, भले उसमें मेरे को डायरेक्ट देखना पड़े, कमेंट्री देखना पड़े. तो यहाँ पे कमेंट्रीज की थोड़ी सी एडिशनल हेल्प हो जाती है कि आप उसको क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करने के लिए उसका यूज करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपका मटेरियल नहीं होता है. हाँ जी, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 नंबर के मार्क्स के हिसाब से मटेरियल होता है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एडिशनली डालना पड़ेगा, तो करेक्ट। उसके लिए आपको कमेंट्रीज यूज करनी पड़ेंगी. और कमेंट्रीज ये हैं कि जैसे पढ़ते पढ़ते एक आइडिया लग जाता है कि कौन से सेक्शन में थोड़ा एडिशनल पार्ट है जो आपको कवर करना पड़ेगा. जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ एडिशनल आया था इस टाइम पे, मतलब हमारे टाइम पे 2018 के सेकेंड पार्ट में. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का को जब प्रीलिम्स में कंसेप्चुअली क्लियर किया था, तो बुक्स में वो चीज कवर हुई थी हल्की हल्की. बाकी थोड़ा सा ये है, मेंस के जो क्वेश्चंस बनाए थे जब, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो चीज आ गई थी. आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या एक्स्ट्रा आ सकता है. आप पूरी कमेंट्री तो रेफर नहीं कर सकते, करेक्ट, बट कहीं ना कहीं से गाइडेंस से या अपने खुद के स्ट्रेटेजी से आपको पता लग जाता है कि क्या क्या एडिशनल आपको पढ़ना है. तो कमेंट्रीज ये है कि आप हर सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं है कि आप रेफर करो, बट जहां जहां लगता है कि इम्प्रोवाइज करना है क्वेश्चन को, वहां वहां आप रेफर करें तो ज्यादा ठीक रहेगा. व्हाइल वी आर एट इट, एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, मेंस की आंसर राइटिंग में के लिए हाउ इंपॉर्टेंट आर केस लॉज एंड हाउ इंपॉर्टेंट आर साइटेशंस? क्या साइटेशंस याद होना उतना ही जरूरी है जितना केस लॉज याद होना जरूरी है? सी बेसिकली हमें एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है इस चीज को. एग्जामिनर को चाहिए कि उसने जो क्वेश्चन दिया उसका एक एग्जॉस्टिव आंसर हमें मिले, ठीक है. तो उसको एग्जॉस्टिव आंसर देने के लिए आपको, अगर डायरेक्ट सफिशियंट है कमेंट्रीज में, जो आपने जो भी मटेरियल लिखा हुआ है वो सफिशियंट है, तो आई डोंट थिंक साइटेशंस की कोई भी जरूरत है. साइटेशंस एक आपको सपोर्ट के लिए होती है. अगर आप एक पर्टिकुलर कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट से सपोर्टेड है ऑलरेडी, ठीक है. साइटेशंस क्या होता है, लॉ ऑफ प्रेसिडेंस होते हैं वो, उनको वो एक कॉरोबरेटिव चीज है जो आप एक डायरेक्ट के साथ यूज करते हैं. सो अगर डायरेक्ट से वो चीज आप कवर कर रहे हैं जो आप लिख रहे हैं, आई डोंट थिंक साइटेशन बिल्कुल भी मैटर करती है. अगर वो पर्टिकुलरली साइटेशंस पूछ रहे हैं तो अलग बात है, हाँ, ठीक है. अगर केस वो लॉ पूछा है तो, एंड हाँ इवन सर डायरेक्टली अगर उन्होंने केस पूछा. लॉ पूछा है तो क्या उस केस लॉ का जो साइटेशन है AIR या SCC का, उसको मेंशन करना क्या रेलेवेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आपको याद है, लाइक आपको अब बहुत सर्टेन है कि इसका साइटेशन यही है, तो ही आप उसमें डालें. ऐसा जरूरी नहीं है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए है, एक सिटिंग जज के लिए नहीं है, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप पूरा साइटेशन याद करके उसमें लिखोगे, ठीक है. वो ये चाहते हैं कि आप उसमें जो प्रिंसिपल डेवलप हुआ था मेजरली, उसके पार्टीज के नाम आपको याद होने चाहिए कि इन वन ऑफ द मेजर जजमेंट्स ऑफ दिस एंड दिस, केशनन भारती वर्सेस दिस एंड दिस, आपको साइटेशन याद हो ना हो, लेकिन प्रिंसिपल आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए कि आप जो प्रिंसिपल लिख रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आपके जो आंसर से फॉलो हो रहा है. तो साइटेशन जो AIR जो आगे लिखते हैं, AIR 2010 या जो भी लिखते हैं, वो चीज हमें याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, और आप याद रख भी नहीं सकते हैं उसको. आप एडिशनल बर्डन डाल रहे हो खुद की सिलेबस के प्रिपरेशन के लिए अगर आप साइटेशन याद कर रहे हो. तो ये अपने प्रीलिम्स और मेंस की थोड़ी बात हो गई, एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो कि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेस करने वाले हैं विद इन 15 to 20 days, 25 days लेट्स से मैक्स टू मैक्स, जब इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे. तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब नर्वसनेस रही होगी व्हेन यू वर देयर इन द कोर्ट रूम प्रेमाइसेस, उससे कैसे कोप अप किया? हाउ वाज योर एंटायर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मुझे एक हेल्प छत्तीसगढ़ के इंटरव्यू से मिली थी कि मैं एक बार उसको फेस करके एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. तो ये है कि थोड़ा हेल्प उससे मिला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कॉलेज में जिस तरह का माहौल था उससे मिला कि आप ऑलरेडी, मतलब इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है कि आप कॉन्फिडेंट रहते हैं किसी से बात करते हैं. बिकॉज वी हैव फेस्ड ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो मतलब कभी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, तो उसमें यह है कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है. बट स्टिल अगर वो नहीं भी होता है
आई वुड से कि अगर लास्ट में आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो आप लोग कराते हैं मॉक टेस्ट, दे आर वेरी हेल्पफुल. मतलब मैं तो कहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप 3 मॉक भी अच्छे से दे देते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर लर्निंग और गाइडेंस के बाद. मतलब उसी माहौल में जो आपको वहां मिलने वाला है, आप ऐसा सोच के चलना कि आप इंटरव्यू ही दे रहे हैं. तो 3 मॉक्स, आई गेस 2-3 मॉक्स आर सफिशियंट कि आपकी पूरी नर्वसनेस दूर हो जाएगी. बिकॉज फर्स्ट टाइम जब छत्तीसगढ़ के टाइम पे मैं गया था, तो मैं बहुत नर्वस था. आई हैड नो आइडिया कि मतलब आगे क्या होने वाला है, क्या पूछेंगे. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस वगैरह तो मैं पता कर सकता हूँ कि हाँ क्या कैसा क्या पूछते हैं. बट सामने जब एक माइंड में आता है कि यार सिटिंग हाई कोर्ट जजेस बैठने वाले हैं, पीएससी के चेयरमैन बैठने वाले हैं, तो एक माइंड में एक नर्वसनेस आती है. ऊपर से कॉम्पिटिटर्स को देख के, क्योंकि जिस तरह से वो वेरिफिकेशन कराते हैं, लाइन में बिठाते हैं, एक एक करके जाते हैं, तो बहुत एक ऐसा स्ट्रेसफुल माहौल होता है. तो उसमें नर्वसनेस तो होती है, बट एक मॉक टेस्ट के थ्रू वो चीज मेरे को लगता है. बिकॉज जब मैंने इंटरव्यू दिया था एमपी, तो मैंने भी अराउंड 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए थे, और उससे फर्स्ट मॉक टेस्ट जो दिया था, मैं नर्वस था, बहुत नर्वस था उसके बाद. लेकिन मेरे को समझ आ गया कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. लेकिन वो एक एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है जो आपको या तो जैसे कोई भी सिटिंग जज है उससे आप कांटेक्ट करके ले लें, या फिर मॉक टेस्ट जो आप करवाते हैं प्रॉपरली करवाते हैं आजकल सब, तो वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है. तो एंड में वो लेना करना जरूरी है. मतलब आपको एक एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, उसी तरह का जिस तरह का आप इंटरव्यू देने वाले. सर, काफी बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे मॉक टेस्ट में भी या फिर इन इन द एक्चुअल इंटरव्यूज आल्सो, कोई एस्पिरेंट ऐसा होता है जिसको कोई चीज बहुत अच्छे से आती है, पर वहां पर उससे जब वो सवाल पूछा गया वो एकदम से फंबल कर गया और गड़बड़ कर दिया, नहीं दे पाया। हाउ डू यू नो ड्यूरिंग द इंटरव्यू इफ द इंटरव्यू इज गोइंग राइट, कि मतलब आप बहुत गड़बड़ नहीं कर रहे हो वहां पर? हाउ डू यू नो दैट, और इज देयर देखिए, अ ये वे टू नो तो दैट? हाँ, मतलब ये तो प्री प्लानिंग है. मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आपको नहीं पता होता है, ये नहीं सोच सकते कि अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, वो बाद की बात है. बाद में जब एक बार बाहर आ जाते हैं, तब पता रहता है कि हाँ हमने क्या किया है. अंदर इस चीज का आप आइडिया नहीं लगा सकते कि वो अच्छा जा रहा है या गंदा जा रहा है. बट ये है कि आपकी अगर प्री प्लानिंग ऐसी रहेगी कि हमको किस तरह से आंसर करना है, हमको जिस जो आंसर करना है वो नेचुरल वे में लगना चाहिए कि हम आंसर जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि क्वेश्चंस जो हैं हमने इतनी बार अच्छे से सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आंसर कर चुके हैं. ठीक है, तो एक नर्वसनेस लेवल अपने आप ही डाउन होता है उस चीज का. आप अगर आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, स्पेशली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पर्सनैलिटी क्वेश्चंस से. तो मैं मेजरली इंटरव्यूज जो देते हैं उनको यही बोलता हूँ कि आप पर्सनैलिटी क्वेश्चंस पे जितने फ्रेम हो सकते हैं, जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सिमिलर से होते हैं, उन पे इस तरह से उनको कमांड कर लीजिए कि आपको बोलने में और उस टाइम सोचने की जरूरत ना पड़े कि आप क्या बोल रहे हो. तो मेजरली जो आपका नर्वसनेस लेवल होता है वो वहीं से आता है, पर्सनैलिटी क्वेश्चंस का. और मेजरली जो वो टेस्ट कर रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी ही टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में ऑलरेडी आपकी लॉ देख वो चुके हैं. टेस्ट कर चुके हैं, लॉ, करेक्ट। हाँ, तो लॉ के जो क्वेश्चंस पूछते भी हैं वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आप किस तरह वे ऑफ आंसरिंग देख रहे हैं, किस तरह से आपके हाव भाव है वो देख रहे हैं. तो लॉ क्वेश्चंस इतना मैटर नहीं करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है. तो वो आप तभी बिल्डअप कर सकते हैं जब आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं क्वेश्चंस को लेके, आपसे जो भी पूछे जाते हैं. बिकॉज क्वेश्चंस वो इस तरह के पूछते हैं जो आप हल्के हल सोच के अगर बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज हल्के हल आप मोस्टली क्या होता है कि अगर वो पूछते हैं कि जजेस में क्या क्वालिटी आपको लगता है कि आपको दिखती है या होनी चाहिए, आप एट द स्पॉट बना के नहीं बोल सकते वो चीज ना, आपको उसका आइडिया होता है कि, क्योंकि आप प्रिपरेशन के टाइम पे ये नहीं सोचते हो कि जज क्या करता है, आप ये करते हो कि हमें गोल है कि हमें एग्जाम निकालना है. तो ये क्वेश्चंस आपको जो पर्सनैलिटी बेस्ड आते हैं उन पे मेजर कमांड करना जरूरी है. तो फिर अच्छा जाए बुरा जाए उसका आपको कोई मतलब माइंड में आएगा भी नहीं, क्योंकि वो आपका, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं इस तरह से तो वो अच्छा ही जाएगा. अच्छा, ये अपनी जैसे इंटरव्यू का ये डिस्कशन हुआ, इसके बाद अ पर्सन बिकम्स अ जज, जैसे आप अभी सिटिंग जज हैं, तो देर इज अ कंसेप्शन कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस आफ्टर बीइंग इन द जुडिशियल सर्विसेज। वुड यू कंसिडर दैट ट्रू, या फिर इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मिथ्स? देखिए, ये भी आई वुड से कंपैरेटिवली ठीक है, दूसरे जॉब्स के रिलेशन में इट्स कंपैरेटिवली अ मिथ. मतलब बहुत बड़ा मिथ है ये एक्चुअली, बिकॉज लोगों को लगता है कि जज बन गया है लाइक हिज लाइफ इज सो गुड, मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड सब कुछ. ऐसा नहीं है.
हर जॉब के अपने नेगेटिव पॉइंट्स होते एंड हैं, कॉन्स होते हैं. ठीक, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो हाँ, आई वुड से कि बहुत स्टेबल जॉब है आपकी. कोर्ट रूम जो है सिर्फ आपकी है. जुडिशियली आपको जो वर्क करना है आप उसके बॉस हैं. आपको जिस तरह से मैनेज करना है आपका कोर्ट रूम वो आपके ऊपर है. एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे प्रॉब्लम होती है, वो हर जॉब में है. तो फिर भी कंपेरेटिवली ये है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है बिल्कुल भी. ठीक है, आप नहीं अपने होता. जो जो भी प्रेशर थोड़ा बहुत रहता है वो हाई कोर्ट से रहता है और डायरेक्टली आपके सीनियर्स या जो भी आपके बॉस हैं उनसे रहता है. बट स्टिल जुडिशियली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क ओवर हियर, है ना. और उसके बाद ये है कि आप किस तरह से आपके कोर्ट को मैनेज करते हैं उस पर डिपेंड करता है. बिकॉज आपका टाइमिंग है 10:30 to 5:30. अब उसमें आप 5:30 पे किस तरह आपको मतलब काम कंप्लीट कर देना है आपका, वो आपके ऊपर. आप अगर 10 बजे तक बैठना चाहें आप 10 बजे तक बैठें, आपका टाइमिंग 5:30 का है. तो 5:30 मतलब ये है कि अच्छा मैनेजमेंट हो तो इजिली आप 5:30 तक काम कंप्लीट कर लेते हैं. कभी कभी की बात है कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, बट दैट्स ओके. आपको यही करना है, जॉब आपका यही है, तो आप पूरी तरह डेडिकेटेड होके करते हैं. तो डजेंट मैटर कि आपको कभी 6 बज जाए तो 7 बज जाए तो. सो एज फार एज पर्सनली मेरा है, मैं मैनेजमेंट मेरा इस तरह से कि मेरे को 7 के अराउंड उस या उसके बाद कभी नहीं आना पड़ा. अगर अराउंड अराउंड मैक्सिमम 5:30 5:45 तक घर आ जाते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज ही घर आके पूरा पढ़ाई करनी पड़े, फाइल पढ़नी पड़े, ऐसा भी नहीं है. वो आपके ऊपर, आपका मैनेजमेंट है. एंड बींग अ जज, वॉट इज दैट वन रिवॉर्डिंग थिंग जिसके बाद आपको लगाओ कि हाँ वर्थ इट, इतनी जो मेहनत करी इट्स वर्थ इट. देखिए, इस जैसे हम लोग हमेशा से ऐसे सुनते रहते थे बहुत वेगली कि वी आर डिलीवरिंग एंड इम्पार्टिंग जस्टिस. मतलब हर किसी के एक मुंह पे ये लाइन रहती है, वी आर डिलीवरिंग एंड इम्पार्टिंग जस्टिस. तो बहुत ऐसे कॉलेज पूरा निकाल दिया 5 साल, बहुत कुछ किया, मतलब इंट एक्स्ट्रा करिकुलर सब कुछ किया. तो ये सुनते रहते थे. सो बेसिकली अभी जैसे हैं हम लोग एक्चुअली उस चीज में फील्ड वर्क कर रहे हैं. सो बहुत से ऐसे पार्टीज आती हैं जो एक्चुअली हमारे सामने मतलब इतने रिस्पेक्ट से बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप अगर ऐसा कर देंगे तो हमें बहुत रिलीफ मिल जाएगी. मतलब वो कभी कभी रो भी देते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं. तो उनका जब फाइनली हम कुछ डिसाइड करते हैं और किसी के फेवर में होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत इमोशनल मोमेंट्स आ जाते हैं कि सामने वाले मतलब पूरा एकदम झुक के हाथ जोड़ के एकदम रिस्पेक्टफुली आपको बो करके थैंक्स बोल रहा है. ठीक है, उनके वे वे से समझ आ जाता है कि उनको कितना फर्क पड़ा इस चीज से. सो एक्चुअली वो चीज देख के एक उस टाइम लगता है कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग, लाइक एक जस्टिस या इम्पार्ट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं. सो वो जब मोमेंट्स आते हैं वो वर्थ इट होते हैं इस जॉब में. और ये मोमेंट्स मतलब बहुत इजिली आपको देखने में मिल जाते हैं. मतलब क्योंकि इतनी फाइल्स होती हैं कोर्ट में, आप उनका उनका जजमेंट करते हैं या फिर जो भी उसको डिसाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी तो ऐसी होती है जिसको लगता है कि हाँ जस्टिस डिलीवर हुआ है, स्पीडी ट्रायल हुआ है, उनके हिसाब से हुआ है सब कुछ. तो ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग एक्चुअली कुछ कर रहे हैं, लाइक सिस्टम के लिए हम लोग एक्चुअली लोगों के लिए बीच में रह के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं. और इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि जज का सिर्फ जुडिशरी से रिलेटेड ही वर्क रहता है. जैसे आजकल ये हो गया है कि लीगल एड कैंप्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. तो हम लोग लोगों के बीच में, गांव में बीच में जाके वहां पे उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि एक्चुअली लॉ क्या है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द जैसे मैं जहाँ अभी हूँ अलीराजपुर, यहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ही कम है. मोस्टली यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके बीच में एजुकेशन लेवल की तो बात ही नहीं होती है. एजुकेशन बिल्कुल ली ही नहीं होती उनने. तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके सामने जाके उनको समझाते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, आपको अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं. तो ये एक एक जो ये फीलिंग आती है उनको अवेयरनेस देने में और उनकी हेल्प करने में, और जिस तरह के वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्योंकि वो अपने घर की बातें बताते हैं खुल के हम लोगों को, बिकॉज हम इस पोस्ट पे हैं, वो हम पे बिलीव करते हैं, बेस्ट तो होता वो चीजें पूछते हैं बताते हैं. तो उस टाइम हमें लगता है कि यार दिस इज वॉट वी वॉन्टेड. और उस टाइम हमें और ज्यादा एक फील आता है कि हम और ज्यादा करें उनके लिए. सो दिस इज वॉट वी फील की वर्थ इट है, सेटिस्फैक्शन. वेरी सेटिस्फैक्टरी. एंड लास्टली सर, जुडिशरी गोल्ड के जितने एस्पिरेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी इंटरव्यू देंगे इस बार, तो व्हाट इज दैट वन मैसेज यू वांट टू गिव टू जुडिशरी गोल्ड के स्टूडेंट्स?
See, I would say ki what we are today, we were also once where you stand. हम भी एस्पिरेंट्स थे आपकी तरह. देर इज नथिंग स्पेशल वी हैव डन टू कम टू दिस पोजिशन. वॉट वी हैव डन इज वी हैव गिवन अवर सिंसियर एफर्ट्स टू वॉट वी प्रिपेयर. सो आपके मन में एक फीलिंग डेवलप होनी चाहिए, सेल्फ इंस्पायर योर सेल्फ सो ब्रिलियंटली कि आपको लगे कि आपको आपका गोल जो है आपको अचीव करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो आप करेंगे. इट डजेंट मैटर कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 3 घंटे पढ़ रहे हैं. आपने जो गोल बनाया पर्टिकुलर डे का, अगर आपका वो फुलफिल हो रहा है तो आई वुड से कि यू हैव डन व्हाट यू वांटेड. आपका रोज का एक गोल होना चाहिए, एक रोज का गोल बनाइए कि आपको पर्टिकुलरली इतना करना है. अगर आप वो गोल फुलफिल कर रहे हैं डेली का, आई डोंट थिंक और सिंसेरिटी की भी जरूरत है. गोल इस तरह का होना चाहिए कि आपका सब कुछ कवर हो जाए. सो आई वुड से कि गिव सिंसियर एफर्ट्स टू वॉट यू आर डूइंग एंड यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट. आपके जो लक में है वो भी आपके फेवर में काम करेगा. सो आई वुड जस्ट से कि गिव योर सिंसियर एफर्ट्स, डू योर बेस्ट, इंस्पायर योर सेल्फ कंटिन्यूअसली. Harder you work, the luckier you get. या थैंक यू सो मच सर. बहुत आपने अपना टाइम दिया डिस्पाइट हैविंग अ बिजी स्केड्यूल एंड वील एंड दिस इंटरव्यू राइट नाउ. थैंक यू सो मच सर.